तो हाय गाइस, हम आ गए हैं वापस फिर से एक और शानदार जबरदस्त जिंदाबाद टाइप के वीडियो के साथ। और गाइस आप देख सकते हो हमारे पास क्या, हमारे पास है कुछ बहुत ही ज्यादा खास चीज आज। तो गाइस अपने पास है बेब्लेड एक्स, और गाइस ये है नाइट शील्ड, और ये ब्लू कलर वाला ये बूस्टर है। मैं बता दूं हमने स्टार्टर अनबॉक्स किया है, हमने ट्रिपल सेट वाला भी अनबॉक्स किया। तो गाइस ये जो था, जो मुझे लोगों ने बताया कि ये एनिमे में आने वाला है नाइट शील्ड, जो कि ग्रीन कलर में है, जो कि एक स्टार्टर मतलब लॉन्चर के साथ आता है ये वाला, और ये ट्रिपल सेट में आता है मतलब तीन के सेट में आता है। तो इसमें जो टिप निकलती है ये टेपर्ड बिट होती है, टिप क्या बोल रहा हूँ मैं मेटल की वजह से, बट बिट होती है। तो ये अटैक सेट में निकला था, तो दो रीकलर्स हमको मिल चुके हैं, ग्रीन और रेड। अब गाइस निकलने वाला ब्लू रीकलर, ये एक बूस्टर होने वाला है, तो ये काइंड ऑफ अ रीकलर है। तो मैं तो थोड़ा बहुत एक्साइटेड हूँ, आप बताओ आप कितने एक्साइटेड हो, क्या आप नया वर्जन देखना चाहोगे नाइट शील्ड का या नहीं, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में गाइस। और हमने और भी बेब्लेड एक्स ऑर्डर कर दिए हैं, जल्दी वो आ जाएंगे गाइस, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। और सेट स्टेडियम सेट वगैरह और भी चीज़ें आ रही हैं, और कैटलॉग पे भी कुछ बेब्लेड एक्स के बेस आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। खैर ये तो बात होती रहेगी, आप क्या करना है, आपका काम है हमेशा की तरह सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरा काम क्या है वो है इसको अनबॉक्स करना। तो बिना किसी देरी के चलो इसको अनबॉक्स करते हैं। तो गाइस हमने अनबॉक्स कर दिया अपना नाइट शील्ड, और कुछ ऐसा दिखता है ये बेब्लेड। और पार्ट्स की बात करें तो कुछ बहुत नया यहाँ पे देखो देखने को नहीं मिलता है। ये 380 रैचेट देखने को मिलती है, जो कि हमने कई जगह देखी, सबसे कॉमन रैचेट मुझे लगता है यही है 380। और गाइस ये है नाइट शील्ड का ब्लेड, तो वो भी कुछ नया नहीं है, बट हाँ रीकलर जो ब्लू है वो काफ़ी ज़्यादा मस्त दिखता है, मतलब ब्लू इसको सूट करता है मुझे ऐसा लगता है। और गाइस यहाँ पे जो बिट मिली है वो एक स्टैमिना टाइप बिट है, तो वो थोड़ा सा कुछ अलग और दे देते तो मज़ा आ जाता, जैसे टेपर दे देते या डिफेंस दे देते। खैर कोई नहीं, ये सब तो चलता है, बॉल या टेपर्ड कोई भी चल जाती मेरे को, बड़ा स्टेमिना भी हम लोग ट्राई करेंगे। तो अभी क्या करना, अपना काम है इसको टेस्ट करना, तो उसके लिए चाहिए रहेगा स्टेडियम। तो बिना किसी तरीके चलो फटाक से स्टेडियम लाते हैं, उसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है ये वाला रीकलर नाइट शील्ड का, मतलब सिमिलर ही करेगा बट चलो फिर भी ट्राई करते हैं। तो गाइस अपना स्टेडियम आ गया है, तो पहले एक टेस्ट पिन हो जाए फटाक से बैटल से पहले। ये थोड़ा सा एग्रेसिव टेस्ट पिन हो गया, और ऑनेस्टली स्टेमिना टाइप के हिसाब से ठीक ठाक अग्रेसिव भी है ये, वो तो खैर बैटल में देख के पता चलेगा। अभी तो आई थिंक सेंटर में आने वाला है, क्योंकि अग्रेसिव टेस्ट पिन दे दिया मैंने, इस वजह से ऐसा हो गया। बट हाँ फिर भी मतलब अच्छा है, बट ये स्टेमिना टाइप होने की वजह से ऐसे ऐसे वॉबल कर रहा है। आई थिंक इस पर कोई और टिप वगैरह देनी चाहिए थी, बट पता नहीं, मैंने जो नाइट शील्ड ये वाला यूज़ किया है ये भी स्टेमिना टाइप है, बट ये ऐसी हरकतें नहीं कर पाया। तो चलो इनका एक फटाक से दोनों का बैटल हो जाए, स्टॉक वर्सेस रीकलर का। ये गया अपना अभी वाला मतलब स्टॉक वाला, और सैडली फिर से करना पड़ेगा हमको लॉन्च। तो पहले हम स्टॉक वाले को ही लॉन्च कर देते हैं, स्टॉक कलर। अब री कलर की बारी है, और गाइस देख के लगता नहीं है दो स्टेमिना टाइप्स के बीच की बैटल है, कमाल की बात ये है। ओ भाई, और री कलर जीत गया संभाव, मतलब दोनों में से कोई भी जीत सकता है क्योंकि सेम ही वेबलेट है, तो ऐसे टेंशन वाला बात नहीं है। अब ये वाला ट्राई करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी डिफरेंट है, ये काफ़ी अच्छा अटैक टाइप है, मतलब बैलेंस टाइप बोल सकते हैं, क्योंकि टिप प्योरली अटैक नहीं है। और गाइस कमाल की बात यह है कि जो अपना अभी जो नया वाला नाइट शील्ड है वो काफ़ी हद तक टिका हुआ है मैदान में, मतलब जीत भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये क्या अभी हालत ठीक नहीं लग रही है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, और सैडली हार गया बेचारा। कोई नहीं चलता है, तो ये तो भाई ये वाला नाइट शील्ड अगर मिलता है ना कहीं, ये ऑब्वियसली ट्रिपल सेट में निकलता तो खास चीज़ है, बट ये वाला तगड़ा है भाई तगड़ा। अब कोई नहीं, एक ट्राई करेंगे विजार्ड एरो और हेलसाइट के साथ ही। तो ये गया गाइस अभी वाला नाइट शील्ड, और विजार्ड एरो की बारी है। और गाइस अगर बेब्लेड एक्स से बैटल वीडियोस देखना चाहते हो तो बताओ कमेंट सेक्शन में किसके किसके देखना चाहते हो, वही बताना जो मेरे पास हो, क्योंकि मेरे पास सारे बेब्लेड एक्स अभी है नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ मंगाने की। और सैडली ये विजार्ड एरो से भी हार गया, और विजार्ड एरो डिफेंस टाइप है, तो डिफेंस टाइप बेब्लेड एक्स काफ़ी अच्छा है। हेल साइथ भी डिफेंस टाइप है, देखेंगे हेल साइथ को हरा पाएगा कि नहीं, चांसेस मुझे कम ही लग रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। और ये क्या है गाइस, हेल साइथ पे उल्टा अटैक कर रहा है। तो ओवरऑल मैं यही बोलूँगा एवरेज बेब्लेड है, हाँ मतलब अगर सस्ते में बेब्लेड एक्स का फील लेना है तो उसके लिए ठीक है ये, बट भाई इसको लगभग हर बेब्लेड ने हरा दिया, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, बट कोई नहीं यार नई चीज़ है तो अच्छा लगा, कलर अच्छा है,
दैट्स व्हाट आई लाइक्ड अबाउट दिस बेबलेट। तो मुझे तो भाई वही अच्छा लगा कि इसका कलर बहुत प्यारा है, इस कलर में ये जमता है। तो मेरा तो यही ओपिनियन है, बाकी आप लोगों पर छोड़ता हूँ, आप लोग बताओ आपको कैसा लगा ये ब्लू कलर वाला नाइट शीट। बाकी मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा फिर किसी वीडियो में फिर किसी दिन, तब तक के लिए गाइस स्टे सेफ और हैप्पी ब्लेटिंग।